पैंगोंग झील को विश्व की सबसे ऊंची गहरी और लंबी झील कहा जाता है। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर लेह से 980 किलोमीटर दूर लद्दाख पर्वत श्रृंखला के आंचल में खारे पानी की पैंगोंग झील पसती हुई है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। पैंगोंग झील 150 किलोमीटर लंबी और 700 फीट से लेकर 4 किलोमीटर चौड़ी है। एक तरह से ये पहाड़ी समुद्र की तरह है। इसकी गहराई 120 से लेकर 200 फीट तक है। इस झील के पानी का कहीं निकासी नहीं है, इसलिए इसके किनारे पर नमक की तरह भी देखी जा सकती है। इस खारी झील में पहाड़ों से गिरने वाली बर्फ के कारण अनेकों खनिज पदार्थ जमा हो गए हैं। इसके यह तरल ऊपर उठता जाता है। पानी के अभाव से झील सिमटने लगी है। वर्ष के 3 माह पर यह झील जमी हुई होती है, जिस पर जीप भी चलाई जा सकती है। सूर्य की किरणें बदलने के साथ साथ झील का पानी भी बदलता रहता है। इस पहाड़ी व झील में निर्मल जल में लाल रत्न बेशुमार बिखरे पड़े रहते हैं, लेकिन इस अनगढ़ पत्थरों को खोज पाना काफी श्रम साध्य है। इस झील के 3 हिस्से चीन के पास है। अब तक इस झील में प्रवेश द्वार सरकार द्वारा बंद था, लेकिन अब चीन सरकार के समर्थक और सहयोग के बाद सरकार इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। लद्दाख की समूची घाटी झीलों नदियों से भरपूर है। इस बर्फीले घाटी के उत्तर में विश्व हिमालय और दक्षिण में पीर पांजम श्रृंखलाएं है। इस घाटी के तीनों दर्रों का विशेष महत्व है। रोहतांग, बारालांचा तथा कुंजम दर्रों के नाम से जाने जाते हैं। बारालांचा दर्रों के दक्षिणी पूर्व के किनारे में चंद्रा नदी, दक्षिणी पश्चिमी किनारे में भागा नदी तथा उत्तरी किनारे में चेनाब नदी निकलती है। कुंजम दर्रों में सुप्रीति नदी का उद्गम वह होता है। यह नदी सुप्रीति घाटी से गुजरने वाली कन्नौज जिले में सतलुज नदी से गिरती है। बारालांचा दर्रों में चंद्रा के उद्गम के पास स्थित सूरज ताला से भागा नदी के निकलने पर दोनों मिलकर तांबी में गिरती है। तब वह चंद्रा भागा कही जाती है और आगे बढ़ने पर यही चेनाब नदी कहलाने लगती है।